हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हसन सिद्दीक और आज है जुम्मा। अभी मैं आया हूँ जुम्मे की नमाज पढ़ के। जुम्मे को जो है ना थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ईद वाली फीलिंग आ जाती है। सब एक साथ नमाज पढ़ने जाते हैं और मस्जिदें भी माशाल्लाह भरी होती हैं। और जुम्मे की नमाज के बाद अगर आपको खाने में बिरयानी मिल जाए तो क्या ही बात है। तो घर में तो बिरयानी नहीं बनी, तो आज हम चलते हैं बाहर बिरयानी खाने। अच्छा, तो अब हमें जाना है शाह फैसल कॉलोनी बिस्मिल्ला बिरयानी। और आज तक लोगों का डिबेट चलता है कि ये बिरयानी नहीं है, पुलाव है, पुलाव नहीं है, बिरयानी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं काफ़ी टाइम से ये खा रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है। बेसिकली दूसरी बिरयानियों से बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए लोग बोलते हैं पुलाव है, लेकिन काफ़ी स्पाइसी होती है और मज़े की होती है। ना मैं इसको पुलाव कहूँगा, बिरयानी भी नहीं कह सकते, कुछ बीच का ही है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है जो भी है। और मैं बचपन से खा रहा हूँ, मुझे मेरे भाइयों को इवन ये बिरयानी यहाँ से लेके मैंने कैनेडा तक भेजी है अपने भाई को, वो इतने पसंद करते हैं। आया हूँ शाह फैसल कॉलोनी में लोकेटेड बिस्मिल्लाह बिरयानी पे। अभी चलते हैं और उनकी बिरयानी खाते हैं। यहाँ मैं जब जब आता हूँ हमेशा ऐसे ही रश मिलता है। अच्छा, बिरयानी तो अपनी जगह, लेकिन इनका कबाब जो है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस गरम गरम बिरयानी को खाने के बाद आप सिर्फ यही बोलेंगे, टू गुड। अच्छा भाई, बिरयानी खा ली, मज़ा आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ज़्यादा ब्लॉग हर वक्त गाड़ी में क्यों होते हैं। तो यार बहुत अफसोस है कि हम एक ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, और बाहर अगर निकलते भी हैं तो बहुत डर डर के आगे पीछे देख के आप देख रहे होते होंगे कि वो कॉन्फिडेंस नहीं होता चेहरे पे बाहर ब्लॉगिंग करते हुए। तो गाड़ी में भी खैर डर लगता है, लेकिन थोड़ा बेहतर होता है क्योंकि गाड़ी लॉक होती है, लेकिन हालात बहुत ख़राब हैं। खैर, बिरयानी हमने खा ली है और अब यही है, जब तक हालात सही नहीं होते आपको व्लॉग जो है गाड़ी से ही मिला करेंगे या घर से मिला करेंगे। कोशिश होगी कि थोड़े थोड़े बाहर से बना लें, लेकिन बाहर जो है ना यार वो कॉन्फिडेंस ही चला गया है व्लॉग बनाने का, क्योंकि आजकल जो हालात हैं वो मोबाइल ले जाते हैं घबराहट में, गोली वोली चल जाए तो एक अजीब सा वहम सा ही बैठ गया है, बहुत बुरा हाल हो गया कराची का। तो खैर, बिरयानी बहुत ज़बरदस्त है और ये बिरयानी जो है मैं बचपन से खाता आ रहा हूँ। अगर आप ये बिरयानी खाएँ तो इसका साथ जो कबाब आता है ना वो इसका मज़ा डबल कर देता है। वो कबाब ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त होता है और एक डिफरेंट यूनिक टेस्ट है इनका जो आपको कराची में कहीं और नहीं मिलेगा। कोल्ड ड्रिंक नहीं पी पाया आप, क्योंकि मुझे बस लगने वाला है मुझे नज़ला और जो है गला ख़राब होने वाला है मुझे लग रहा है, तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पी पाया तो वो मज़ा नहीं आया। तो अभी चलते हैं थोड़ी देर में, ऑरेंज जूस पी लेंगे कोल्ड ड्रिंक नहीं पी तो, क्योंकि वो सुना है गले और फ्लू के लिए अच्छा होता। अच्छा भाई, तो बिरयानी खा ली थी, इसके साथ ड्रिंक नहीं पी पाया, गला कुछ ख़राब लग रहा था, तो सोचा ऑरेंज जूस पीते हैं। मैं भी आया हूँ ऑरेंज जूस पीने, इसके बाद जाऊंगा काम पे। दिन में जो है मेरा यही प्लान रहेगा कि दिन में मैं व्लॉग्स बनाऊं और शाम में रेस्टोरेंट को टाइम दूं, ताकि दोनों चीज़ें बैलेंस रहें। तो मैं पीता हूँ अब ऑरेंज जूस, आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।